सो हेलो मेरे प्यारे गेमर्स भाई लोग, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का रेंज सिमुलेटर के एक और नए एपिसोड में। एंड यार, यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी गिर रहा था तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर रुक गया, क्योंकि भाई देख रहे हो, अब देख रहे हो सूरज निकल गई ना, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। दिन भर पानी गिरते रहता है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बट कुछ नहीं कर सकता यार मैं। एंड अगर तुम लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो भाई जरूर से देखना, क्योंकि हमारे जितने भी घोड़े थे ना भाई, सब के सब मर गए यार। सच में बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है मेरे को, बट यार कुछ नहीं कर सकता मैं। अगर वो मर गया तो उनको वापस से जिंदा तो नहीं कर सकता हूँ मैं। एंड कुछ दिन पहले मैंने मीट बॉल और सॉसेज बनाया था, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था मेरे लिए, क्योंकि यार मैं बना ही नहीं पाया ना, जगह ही नहीं था मेरे पास में बनाने के लिए। तो आज मैं वही सोच रहा हूँ कि हम लोग मीट बॉल और सॉसेज की फैक्ट्री बना दे क्या, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर चीज की फैक्ट्री बनाया हुआ है। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पर मिल्क जो है वो इकट्ठे कर रहा हूँ, एंड एग भी है जो वो इकट्ठे कर रहा हूँ, उसके बाद ही तो मैं चीज बनाना स्टार्ट कर सकता हूँ। बट मीट बॉल और सॉसेज के लिए हम लोगों को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, सिर्फ और सिर्फ हमको मीट चाहिए रहेगा, मतलब कि हम लोगों को पिग पर्क चाहिए रहेगा बस भाई, फिर और क्या, फिर हम लोग जल्दी से बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब तक से हम लोग चीज नहीं बना पाएंगे, तब तक से हम लोग मीट बॉल और सॉसेज बेच के पैसे कमा सकते हैं, तो भाई वही कर लेते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत ज्यादा पैसे हैं, समझ रहे हो ना तुम लोग। और भाई ये पाइन एप्पल मैंने बहुत सारे हार्वेस्ट कर लिए हैं, पिछले एपिसोड में ही हम लोग हार्वेस्ट कर रहे थे, तो बहुत सारे जब हो जाएंगे पाइन एप्पल फिर उसको बेचने चले जाएंगे। एंड तुम लोग ये वाला जगह देख सकते हो, चीज फैक्ट्री के बाजू में मैं मीट बॉल और सॉसेज की फैक्ट्री बनाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से ये जगह परफेक्ट रहने वाला है यार। ये पेड़ की मैं कटाई कर दूंगा और यहीं पर ही मैं यहाँ पर फैक्ट्री बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। देखते हैं अपन रात होने से पहले अगर मैं पेड़ की कटाई कर सकता हूँ तो वही कर लेता हूँ। एंड ये वुड लेके जाने वाला हूँ प्लैंक्स फैक्ट्री में, क्योंकि मेरे पास में ज्यादा प्लैंक्स अब बचा नहीं है, जैसे कि मेरे ख्याल से यहाँ पर, अच्छा ये भी खाली है ना ट्रॉली, देख सकते हो तुम लोग। एंड यहाँ पर एक ट्रॉली था, इसमें थोड़े बहुत बचे हुए प्लैंक्स, देखते हैं कि ये कितना काम में आने वाला है। एंड ऑफकोर्स भाई मेरे को प्लैंक्स की जरूरत पड़ेगी, तो अपन क्या करने वाले हैं कि यार प्लैंक्स फैक्ट्री में जाके जल्दी जल्दी से वुड से हम लोग प्लैंक्स बनाना भी स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा काम होने वाला है आज भाई, बहुत ही ज्यादा काम होने वाला है आज, तो ऐसी तैसी होने वाली है भाई, कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी भाई, वो तो अपन तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड या ये मैं तोड़ लिया ना, ज्यादा बड़ा नहीं बनाने वाला हूँ, जैसे कि हम लोगों ने चीज फैक्ट्री बनाया था ना, उतना ही बड़ा हम लोग यहाँ पर मीट बॉल फैक्ट्री और सॉसेज फैक्ट्री बनाएंगे, मतलब कि मीट बॉल और सॉसेज एक ही फैक्ट्री में हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, तो मैं उसके लिए अलग अलग दो नहीं बनाने वाला हूँ, एक ही फैक्ट्री बनाने वाले, इसमें मीट बॉल भी बनेगा और सॉसेज भी बन जाएंगे, तो ज्यादा सही रहेगा। और रात हो चुका है तो मैं जल्दी से सो जाता हूँ, एंड उसके बाद मैं तुम लोगों से मिलता हूँ, ठीक है। एंड यस भाई, यहाँ पर सुबह हो चुकी है, हम लोगों ने सो के उठ गए, सही बात है यार, अच्छी बात है, क्योंकि यार यहाँ पर एक अच्छी चीज क्या है कि तुम जैसे सो जाते हो ना, तुरंत तुरंत दिन हो जाता है, तो ये अच्छी बात है यार, नहीं तो पता चला पूरा रात भर हम लोगों को काम करना पड़ता या जगना पड़ता तो क्या हालत रह जाती ना हमारी, बहुत खतरनाक वाली। तो जल्दी से मैं ये काट लेता हूँ, एंड शायद इतने में नहीं और भी काटना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी से काटने का काम कर देता हूँ। A few moments later. And yes, भाई यहाँ पर जितने भी wooden logs थे ना, यहाँ पर मैंने ला के रख दिया एक जगह पे, क्योंकि इससे मेरे को ले जाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा ऑफ कोर्स भाई। एंड इसको साफ नहीं करूंगा तो यहाँ पर मैं ब्लूप्रिंट भी तैयार नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना तुम लोग। ओके भाई, यहाँ पर मैंने फाउंडेशन तो बना दिया है, मेरे ख्याल से यार इतना ही बड़ा ठीक रहने वाला है ना, इतना बड़ा ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा बनाऊंगा तो मेरे को खुद को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा, तो यस भाई इतना बड़ा ठीक है। तो अभी देखते हैं कि अभी हम लोग कैसे बनाने वाले हैं, क्योंकि यार मैं थोड़ा सा अलग बनाने वाला हूँ इस फैक्ट्री को, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट फ्लोर रहेगा ना, जो सबसे नीचे वाला, उसको हम लोग बनाने वाले हैं मीट बॉल वाला फैक्ट्री या फिर सॉसेज फैक्ट्री बना देंगे, मतलब कि यहाँ पर दो फ्लोर रहने वाले, होप सो मैं दो फ्लोर यहाँ पे अच्छे से बना पाऊँ, नहीं तो यार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यस भाई, अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि यार वुडन वॉल जो है वो लगाने वाला हूँ, तो लेट्स गो भाई, जल्दी जल्दी से मैं लगा देता हूँ। A few moments later. ये रहा वुड फ्लोर, यस भाई यही चाहिए था मेरे को बनाने के लिए। एंड यहाँ पर मैंने कुछ अलग से डिजाइन किया हुआ, तुम लोग देख सकते हो, हल्का सा दूसरा फाउंडेशन यहाँ पे लगाया हुआ है, मेरे इस फैक्ट्री को कुछ अलग शेप देना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अलग किया, देखते हैं इससे अच्छे से हम लोग वर्क कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आई डोंट नो, बट ये बनाते उसके बाद देखते भाई क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। एंड यहाँ पर फाउंडेशन मैं लगाऊंगा तो सही, लेकिन मेरे ख्याल से इनको एक बार पहले मेरे को लगा के देखने दो, क्योंकि ऊपर की तरफ मेरे को सीढ़ी भी तो निकालनी है ना भाई। अभी यहाँ पर मैंने फ्लोर भी बना दिया है, तुम लोग देख सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी मेरे को यहाँ पे सीढ़ी भी तो बनानी पड़ेगी ना भाई, क्योंकि अरे यार ये डिजाइन बनाने के बाद में ना यहाँ पर मैं ये फ्लोर नहीं लगा पा रहा भाई, मतलब सीलिंग नहीं लगा पा रहा हूँ, ये दिक्कत हो रही मेरे को सीरियसली भाई, मतलब ये बनाने का कोई फायदा ही नहीं है क्या, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है यार ये तो। बट देखते हैं यहाँ पर अगर अच्छा लगे तो मैं रखूंगा, नहीं तो मैं इसको तोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये डिजाइन थोड़ा अजीब सा है, यहाँ पे बन नहीं रहा है, बट
ठीक है। एंड अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि यार सबसे पहली बात ना मेरे को एक ब्लूप्रिंट बनानी चाहिए सीढ़ी के लिए, क्योंकि सीढ़ी भी तो बनानी है। पता चला मैं पूरा का पूरा ये वाला अगर बनाऊँ तो अबे यार ये नहीं बना, व्हाट नहीं बना सकता ये वाला मैं क्यों। एंड इसको मैं इस तरह बनाने वाला हूँ, यहाँ यहाँ पर बनाने वाला हूँ, ठीक है भाई ये वाला बनाने वाला हूँ। अगर यहाँ पर ये मैं ये वाला बना रहा हूँ तो ये वाला जो मतलब ये वाला जो सीलिंग है ना ऊपर का, ये तोड़ना पड़ेगा ना फिर मेरे को तो, ठीक है अच्छी बात है। ऐसा ब्लू प्रिंट में बड़ा अजीब सा लग रहा है, पहले हम लोग फाउंडेशन बनाते हैं एंड उसके बाद देखते हैं कि भाई क्या सी होने वाला है। फाउंडेशन के लिए सबसे पहली बात तो मेरे को वो वुड प्लैंक्स लाने पड़ेंगे। अब ये भी तो है, इसको भी उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर ओके यहाँ पर हम लोग ने ला के रख दिया भाई, यहीं पे हो जाए यहीं पे हो जाए यहीं पे हो जाए, बहुत बढ़िया यहीं पे हो जाए, हाँ बहुत बढ़िया। अबे बैठने का नहीं होता, पता नहीं इसको क्या चुल मची रहती है यार, हमेशा बैठ जाता है ये, कोई दिक्कत नहीं है बैठ जा भाई, इसको क्या दिन भर खड़े करके रखता हो ना इसलिए थक जाता होगा, कोई दिक्कत नहीं है यार अपने को। एंड यार अबे नहीं यार एक बात बताओ, मेरे को और प्लैंक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? आई डोंट नो, देखते हैं। मेरे ख्याल से मेरे को तो नहीं लग रहा, क्योंकि देखो एक बार में ही बन रहा है पूरा का पूरा, बढ़िया है यार। एंड भाई जल्दी से मैं फाउंडेशन में प्लैंक्स जो है वो लगा देता हूँ एंड उसके बाद में आप लोगों से मिलता हूँ, ठीक है मेरे भाई लोग। A few moments later. एंड मेरे भाई लोग तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा जो है वो प्लैंक्स वो लगा दिया है। बट यार ऑनेस्टली सच बताऊँ ना, मेरे को तो अच्छा लग रहा है, ये डिजाइन भी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब भले यहाँ पर कुछ ना है, ऐसे ही खाली छोड़ दूंगा यार, मेरे को तो सही लग रहा है यार, मैं तो यही रखने वाला हूँ फिर डिजाइन। एंड इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे कितने 6 प्लैंक, अरे बन गया है यार गजब। ऊपर चलते पहले तो मैं ऊपर जाने वाला हूँ यार। और ये देखो ये डिजाइन देखो भाई, बड़ा प्यारा लग रहा है ये डिजाइन। एंड यहाँ पर अगर मैं डिजाइन की बात करूँ तो ये ट्रायंगल्स मैं लगा सकता हूँ ना यहाँ पर, अबे हाँ यही लगा सकता हूँ तो यही लगा देता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है। देखते अगर ये लगाने के, अबे ये नहीं भाई। एंड इसके बाद में आई गेस मेरे को ये लगाना पड़ेगा यार, थोड़ा दया लुक देते हैं ना यार, बड़ा अच्छा। अबे यार ये अजीब सा नहीं लग रहा है ये, ठीक है कोई बात नहीं, बट ये लुक देते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ये हुई ना बात भाई देखो ये कुछ साइन सा बन गया, बट ठीक है कौन सा साइन है मेरे को खुद को नहीं पता है, ठीक है कोई बात नहीं भाई। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर अपन वॉल बना देते हैं ना। नहीं यार देखो बीच बीच में ना मैं क्या करने वाला हूँ कि ये वाला जो है ना खिड़की बना देना चाहिए, या विंडो वाला वॉल जो मेरे को बना देना चाहिए, नहीं तो पूरा का पूरा अंधेरा हो जाएगा ना भाई, अजीब सा लगने वाला है। मतलब थोड़ा रोशनी भी आनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं वॉल बनाना स्टार्ट जो है वो कर देता हूँ, जैसे कि ये वाला वॉल लगेगा यहाँ पर, यही वाला ही वॉल लगाऊंगा भाई ऑफकोर्स भाई मैं। ठीक तो लग रहा है यार, नॉट बैड यार, सच बता रहा हूँ। अब यहाँ पर मेरे को रूफ लगा देनी चाहिए, यहाँ कुछ तो नया डिजाइन बन रहा है यार, जो कि शायद देखने में और कलर करने के बाद तो और भी ज्यादा अच्छा लगने वाला है। होप सो सच में अच्छा लगे, मजा ही आ जाएगा। एंड इसके ऊपर क्यों नहीं लग रहा है ये? अभी इसके ऊपर नहीं लगता क्या? व्हाट द हेल, इसके ऊपर मैं नहीं लगा सकता हूँ, पता नहीं मैं इसके ऊपर सच में इसके ऊपर मैं नहीं लगा सकता हूँ, ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, इसके ऊपर नहीं लगा सकता तो अगर मैं कि ना, इसलिए मैं नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि यार मैं उसके लेवल का नहीं हूँ ना, मतलब मेरे को शायद ऊंचा होना पड़ेगा। और मेरे को देखने तो सबसे पहले बात तो कि भाई इसमें सच में बहुत सारे ग्लिचेस हैं, बहुत सारे बग्स हैं, समझ रहे हो तुम लोग, इस गेम में अभी भी फिक्स नहीं कर रहे यार, पता नहीं डेवलपर्स क्यों नहीं फिक्स करते हैं यार। ओके मैं बोला था ना, ये देखो अबे ये देखो अब हो जा रहा है, मतलब कि ये ऊंचाई का ही प्रॉब्लम था। ओके अच्छा हो गया मैंने देख लिया भाई, तो मैं क्या करता हूँ कि जल्दी से ये ब्लूप्रिंट पहले तैयार कर लेता हूँ, क्योंकि भाई ऐसे ही मेरे को ऊंचा कर करके बनाना पड़ेगा हर जगह पे, ठीक है। मैं जल्दी से ये कर लेता हूँ और ये बना लेता हूँ मैं, एंड उसके बाद में तुम लोग को दिखलाता हूँ कि भाई क्या लुक आ रहा है अपना है। 2 hours later. तो देख लो मेरे भाई लोग, यहाँ पर मैंने ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार कर दिया है, बन गया है। मतलब तुम लोग देख सकते हो भाई, भाई सच बता रहा हूँ ना, इसको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा हुआ है भाई, सबसे ज्यादा टाइम तो इसी को बनाने में लग गया, बट फाइनली ये बन गया, मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और देख रहे हैं यहाँ पे खतरनाक तरीके से मेरे को सीढ़ियाँ बनानी पड़ी तब जाके ये काम हो पाया है क्या है बोलूँ यार मैं, बट इसको अब तोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब तोड़ना तो बनता ही है भाई। अब मेरे ख्याल से रुको पहले नीचे जाके देखते हैं भाई कैसा लग रहा है, मेरे ख्याल से ये बनने के बाद में अच्छा लगेगा। भाई ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि भाई राजा महाराजाओं का सिंहासन है, ऐसा लग रहा है ये देख के, बट ठीक है यार सच में अच्छा लग रहा है। मैं तो बस ऐसे ही बना दिया था मैं, अच्छा लगेगा क्या करके, बट सच में अच्छा लग रहा है ये। चलो जल्दी जल्दी से अब मैं प्लैंक्स डालना स्टार्ट कर देता हूँ मैं। A few moments later. एंड मेरे भाई लोग यहाँ पर पूरा का पूरा मैंने प्लैंक्स तो डाल दिया, आप तुम लोग देखो यार कैसा लग रहा है भाई, सही लग रहा है ना। देखो अभी मैं तुम लोगों को जाके पूरा दिखलाता हूँ, अब बताओ कैसा लग रहा है भाई, लिटरली बहुत ज्यादा ओपी लग रहा है भाई, मेरे को तो ओपी लग रहा है यार ये पता नहीं मैंने कैसे बना दिया, बट बस दिमाग में आया बनाते चला गया मैं, बढ़िया है भाई। अब यहाँ पर मेरे को पेंट भी करना है, बट मैं यहाँ पर ना कलर जो चूज करने वाला हूँ, मैं ब्लू करने वाला हूँ, रेड करने वाला हूँ और वाइट करने वाला हूँ, और ब्लैक पूरे कलर यूज कर लूंगा भैंस की भाई, मेरे को क्या है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और यहाँ पर मैं यहाँ पर भी मेरे को सेल्फ बनाने पड़ेंगे ना भाई,
तो मैं क्या करता हूँ कि जल्दी जल्दी से यहाँ पर सेल्फ भी बना देता हूँ मैं लगे हाथों यार। ओके मेरे भाई लोग, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो मैंने पूरा पूरा सेल्फ तो बना दिया है यहाँ पर, लेकिन मैं इस तरफ नहीं बनाने वाला हूँ। इस तरफ अजीब सा लगेगा क्या? इस तरफ बनाऊंगा तो देखते हैं, अगर इस तरफ अच्छा लगेगा तो मैं बना दूंगा, नहीं तो इस तरफ का मैं एरिया खाली कर देता हूँ क्योंकि सीढ़ी वाला एरिया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो भी गाड़ी वगैरह चढ़ाऊंगा ना मैं इस तरफ ही चढ़ा दूंगा, अंदर ही घुसा देंगे भैंस की भाई डायरेक्ट अपन, ठीक है। एंड यस भाई, यहाँ पर भी मैंने पूरा का पूरा सेल्फ जो है वो बना दिया है। तो एंड यहाँ पर सेल्फ थोड़ा कम बना हुआ है क्योंकि नीचे में क्या है ना कि पूरा पूरा बना दिया है। एंड ठीक है यार, इतना सेल्फ इनफ है भाई। तुम लोग देख सकते हो इस सेल्फ में 16 प्लैंक्स और 18 मैटा लगते हैं, मतलब कि अब मेरे को प्लैंक्स बनाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पास प्लैंक्स नहीं है भाई अब एक भी, तुम लोग देख सकते हो। तो अभी वही है कि ये पूरे पूरे जितने भी तुम लोग लॉग्स देख रहे हो ना, इसको उठा उठा के अपन प्लैंक्स फैक्ट्री में लेके जाने वाले हैं। एंड ऑफकोर्स भाई उसके बाद हम लोग प्लैंक्स बनाने वाले हैं, तो मैं वही करने वाला हूँ। जल्दी जल्दी से उसको उठा लेता हूँ मैं, समझ रहे हो ना, इसके ऊपर। एंड उसके बाद अपन फैक्ट्री पर चलते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर मैंने वुडन लॉक को पूरा लोड तो कर दिया, और इसे ज्यादा लोड करूंगा ना तो ये गड्डी देखो ये देखो ये देखो उठ गया इधर से भाई, ये खींच नहीं पाता है। तो बस यही दिक्कत है यार इस ट्रॉली के साथ में, ट्रॉली के साथ में नहीं, इस जीप के साथ में, तुम लोग ये बोल सकते हो। चक्के भाई, चक्के बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं, देख लो भाई। तो यही वजह रहती है कि भाई पूरे पूरे लॉक्स को अच्छे से मैं लेके जा नहीं पाता हूँ। बस यार वही है कि इसको मैं ऑफलाइन इसलिए करता हूँ मैं, क्योंकि यही चीजें तुम लोग को दिखलाते रहूंगा ना तो एक घंटे का वीडियो हो जाएगा, समझ रहे ना तुम लोग। यार यही दिक्कत होती है, वैसे खींच नहीं पा रहा है बेचारा मेरा जीप जो है, कि ये प्लैंक्स मेरे बहुत ज़्यादा काम के आने वाले, समझ रहे हो ना तुम लोग। तो वही है यार, मैं क्या करता हूँ कि जल्दी जल्दी से इसको अंदर ला देता हूँ। अबे जल्दी अंदर आ मेरे भाई। तो मेरे भाई लोग, मैं क्या करता हूँ कि जल्दी जल्दी से ये प्लैंक्स बनाने का काम कर देता हूँ, एंड पूरा का पूरा प्लैंक्स लोड करके मैं अपने फैक्ट्री के पास ले चले जाता हूँ जहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया हुआ हूँ मैं। क्योंकि यार ये प्लैंक्स बनाते हो तुम लोग को अगर दिखलाऊंगा ना तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा मेरा वीडियो, और मैं नहीं चाहता हूँ यार इतना ज़्यादा लंबा करना बिन फालतू में अपने वीडियोस को, समझ रहे हो ना तुम लोग। तो यार जल्दी से ये काम मैं कर लेता हूँ, एंड उसके बाद मैं तुम लोगों से मिलता हूँ। 2 hours later। एंड मेरे भाई लोग, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो पूरा का पूरा मैंने सेल्फ बना दिया, और यहाँ पे मैंने ज़्यादा टेबल नहीं रखा हुआ है क्योंकि यार यहाँ पर मेरे को मीट बॉल या फिर सॉसेज बनाने के लिए एकदम ज्यादा टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ज्यादा टेबल की जरूरत पड़ेगी तो मैं और बना दूंगा, बट अभी फिलहाल के लिए इतना ही बनाया हुआ हूँ क्योंकि यार इतने से टेबल में शायद काम हो जाएगा, समझ रहे हो ना। और यहाँ पे मेटल डालना बच गया था जो मैं डाल देता हूँ। ओके, 2 मेटल और चाहिए ना। ओके ठीक है, इसको भी अपन डाल ही लेते हैं फिर। तो यार कहाँ पे डालना है? हाँ यहाँ पे डालना है। एंड यार अभी ये मेरे को पेंट भी करना है, समझ रहे हो ना तुम लोग, भाई पेंट तो करना ही है मेरे को। और सबसे पहली बात तो ये भी बना लेता हूँ ना मैं, और कौन से कलर में इसको पेंट करे यार मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट मैं सोच रहा हूँ कि यार ब्लू कलर, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर भी ला दिया है क्योंकि ये वाला ब्लू मैं लगाने वाला हूँ। एंड ब्लू, व्हाइट, ऑरेंज, रेड, भाई जितना भी कलर है ना सब आज यूज कर डालेंगे भाई, सच्ची बता रहा हूँ मैं, सब यूज करके देखेंगे, जो अच्छा लगेगा अपन वो रख लेंगे, समझ रहे हो ना तुम लोग भाई। एंड मेरे भाई लोग, यहाँ पर मैं पूरा का पूरा ब्लैक यूज कर रहा हूँ, यस भाई ब्लैक ही सही लगता है। एंड इस तरह बस कलर जो है वो चेंज करके रखा हुआ हूँ, बीच में 2 व्हाइट है और आजू बाजू पे यहाँ पे मैंने ऑरेंज किया हुआ है। अब अच्छा लग रहा है यार ये, सच बता रहा हूँ अब ज्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मैं शायद ऑरेंज कलर करूँ, पिंक कलर ना करके, यार ऑरेंज ही सही लगता है यहाँ पर, कि व्हाइट अच्छा लगेगा ब्लैक के साथ में, व्हाइट अच्छा लगेगा यार सच में। व्हाइट टेबल कुछ ज्यादा ही व्हाइट हो गया ये, ना 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 ठीक है फिर यही ठीक है यार, ये ऑरेंज कर देता हूँ भाई साहब, अच्छा लग रहा है यार, नॉट बैड। तो यहाँ पर से ये व्हाइट, पता नहीं क्यों ये जो व्हाइट है, ऑरेंज है, ये सब कलर मेरे को क्यों इतना ज्यादा पसंद है। तुम लोग कुछ अच्छा सा कलर बताओ ना यार, जो मेरे को पसंद आए वैसा कलर बताना भाई तुम लोग, समझ रहे हो। तो मैं यहाँ पे व्हाइट ही करने वाला हूँ भाई, व्हाइट ज्यादा अच्छा लग रहा है, सच बता रहा हूँ, व्हाइट ज्यादा निखर के आ रहा है और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर से यहाँ पे पानी गिरना चालू हो गया यार, सुम दिमाग खराब होता है हमेशा पानी गिरते रहता है यार। और यहाँ पर ये ऑरेंज कलर हम लोगों ने लगा दिया, और ये ऑरेंज कलर अच्छा लग रहा है यार, नॉट बैड, अच्छा लग रहा है। तुम लोग देखो भाई अच्छा लग, नहीं सच में अच्छा लग रहा है, मजाक से हटके भाई सच में अच्छा लग रहा है। और शायद मैं ब्लैक कलर में ना इसका वो रख, ब्लैक कलर किधर है, ब्लैक कलर खत्म हो गया क्या? सीढ़ी को मैं ब्लैक कलर में नहीं रख के मैं ब्लू कलर में रखूंगा, क्योंकि यार ब्लू कलर में लेके आया हूँ तो इसको कहीं तो यूज करूंगा ना भाई, ऑफकोर्स मैं यहीं पे यूज कर लेता हूँ इसको। ये भी बेचारा बुरा मान जाएगा, मेरे को तो यूज ही नहीं किया इसने, ठीक है तू बुरा मत मानना भाई, हैं बिल्कुल बुरा नहीं मानना तू। एंड मेरे को ऐसा लग रहा है ये पूरा पूरा करके देखो भाई, मैं बहुत ज्यादा खतरनाक पगला इंसान हूँ क्योंकि मैं पूरा पूरा पेंट करने के बाद में ऐसा लगता है कि पूरा चेंज कर देना चाहिए। और सच में हाँ, अभी ऐसा लग रहा है कि व्हाइट की जगह पे यहाँ पर ग्रीन ज्यादा अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों बट सच में ग्रीन ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं यहाँ पे पूरा ग्रीन करने वाला हूँ, ले ओ भाई पूरा ग्रीन कर दिया यहाँ पर भी मैंने। यार सच में अच्छा लग रहा है ग्रीन यार। और अगर मैं ऊपर में व्हाइट करूँ तो, नहीं ऊपर में व्हाइट पता है यार, देखते करके देखते हैं, मैं करूंगा ना तो ही समझ में आएगा कैसा लग रहा है ये।
तो यस भाई, अबे लग क्यों नहीं रहा? लग जाना, लग गया लग गया लग गया। मेरे ख्याल से ये वाइट सही लग रहा है, अब इसी को ही डाल देता हूँ मैं यहाँ पर। अब देखो भाई, अब तुम लोग बताना कैसा लग रहा है। अब तो सच में मेरे को कसम से यार, ये ग्रीन कैसे इसमें अच्छा लग गया? मेरे को लगता था कि सिर्फ ग्रीन हाउस में ग्रीन अच्छा लगेगा, बट नहीं मेरे भाई, यहाँ पे ग्रीन सच में अच्छा लग रहा है। ये ग्रीन आंखों को चुभ नहीं रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। जैसे कि रेड अभी एक्चुअली मैं जब भी कहीं भी यूज करता हूँ ना, ऐसा लगता है कि आंखों को बहुत ज्यादा चुभ रहा है, बट ये ग्रीन नहीं चुभ रहा है यार। तो ये ग्रीन बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। तो यस यार, ये यहाँ पर मैं ये वाला कलर यूज कर लेता हूँ। यस भाई, ब्लू वाला कलर यूज कर लेते हैं अपन। देख रहे हो भाई यहाँ पर मेरा जुगाड़, यहाँ पे दो दो सीढ़ी बना रहा हूँ मैं, फ्लोर बना बना के। मतलब सीरियसली यही काम करना बस बाकी रह गया था मेरा। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कैसे बना रहा हूँ, ऊपर चढ़ने के लिए क्या क्या यहाँ पर जुगाड़ करना पड़ता भाई, तुम लोग देख लो। समझ रहे हो ना तुम लोग, मतलब ऊपर की तरफ मैं ब्लू कलर कर देता हूँ, मेरे ख्याल से अच्छा लगेगा। समझ रहे हो ना तुम लोग, तो जल्दी से मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ मैं। चढ़ जा मेरे भाई, या ब्लू कलर कर देता हूँ। यस अच्छा लगेगा यार, नॉट बैड, अच्छा तो लगेगा मेरे भाई। यस भाई, यहाँ पर मैंने ब्लू कलर कर दिया। भाई लोग, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि उसके ऊपर भी चढ़ के मेरे को ब्लू कलर कर देना चाहिए, क्योंकि खाली खाली सा ना अच्छा नहीं लग रहा है। जंपिंग झपांग झम्पक थम्पक, भाई स्कैम हो गया भाई, मतलब मैं खुद ही नहीं पाया। मैं नहीं चढ़ रहा भाई वहां पे, अलग से मेरे को सीढ़ी वीढ़ी बनानी पड़ेगी। मैं नहीं बना रहा सीढ़ी वीढ़ी वाला काम, अपन नहीं करने वाले अब। अब बताओ भाई, सच में अच्छा लग रहा है यार ये। बाहर की तरफ मैं यहाँ पर रेड यूज कर लेता हूँ भाई, या बाहर की तरफ मैं रेड यूज कर रहा हूँ, ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलेगा भाई, रेड यूज कर रहा हूँ मैं। एंड और भी कलर मेरे को बताओ यार, जो मेरे को अच्छा लग सके। अपने मन से बताना, कुछ अच्छा सा कलर बताना और मेरे को, ठीक है, मैं वो जरूर से बनाऊंगा यार। क्योंकि यार मेरे को यार एक ही दो कलर मालूम है जो मेरे को अच्छा लगता है यार, और मेरे को समझ में नहीं आता कि कौन सा कलर मैं यूज करूँ, क्योंकि यार जो भी कलर मैं लेके आता हूँ मेरे को पसंद नहीं आता है। तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता ना यार, क्योंकि यहाँ पर कलर, जो कलर तुम लेके आते हो यहाँ पे लगाने के बाद में वो दूसरा कलर ही हो जाता है, समझ रहे हो, तो वो दिक्कत हो जाती है यार मेरे लिए। एंड यस मेरे भाई लोग, यहाँ पर पूरा का पूरा मैंने रेड कलर कर दिया, और रेड कलर सच में अच्छा लग रहा है यहाँ पर, समझ रहे हो ना तुम लोग। एंड ऊपर में भी जो मैं बोल रहा था ना, ये ब्लू कलर है, उसको भी मैं रेड कलर करके आता हूँ। एंड यस यहाँ पर की बात कर रहा था, यहाँ पे रेड कलर करने वाला हूँ मैं। यस अब रेड कलर अच्छा लग रहा है ना। एंड फाइनली यहाँ पर अब हमारा मीट बॉल एंड सॉसेज फैक्ट्री बन के तैयार हो चुका है। तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ऊपर वाला एरिया सॉसेज के लिए रखूं कि मीट बॉल के लिए रखूं, समझ रहे हो, या फिर नीचे वाला एरिया कौन सा एरिया रखना चाहिए और ऊपर वाला एरिया कौन सा रखना चाहिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताना भाई तुम लोग। एंड या तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना कि हमारा ये प्यारा सा मीट बॉल एंड सॉसेज फैक्ट्री कैसा लगा। यार ये कुछ ज्यादा यूनिक नहीं लग रहा है? देखो यार, ये सच में मैं ओवर एक्साइटमेंट में नहीं बोल रहा हूँ यार, मैं दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग जितने भी फैक्ट्रीज है ना, सब चेकआउट करना, समझ रहे हो, सबके सब चेकआउट करना, और सबके सब फैक्ट्री मेरे बहुत अलग अलग तरीके से बनी हुई है। एंड उनमें से सबसे अच्छी वाली फैक्ट्री मेरे को ये वाली लगती है, मिल्क फैक्ट्री, मेरी बहुत प्यारी फैक्ट्री है ये मिल्क फैक्ट्री। एंड उसके बाद में तुम लोग आप बोल सकते हो कि यार ये वाली फैक्ट्री, क्योंकि ये वाली फैक्ट्री तो उससे भी ज्यादा बवाल लग रही है, मेरे को अच्छी लग रही है। तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना कि इन पूरे फैक्ट्रीज में सबसे अच्छी फैक्ट्रीज कौन सी लग रही है। और अगर तुम लोगों ने इसका पूरा प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं किया तो भाई जरूर से चेकआउट करना, क्योंकि हम लोगों ने इतने प्यारे प्यारे एपिसोड बनाए, तुम लोग को जरूर अच्छा लगेगा। और हाँ भाई, तुम लोग लाइक नहीं करते हो यार वीडियोस को, तुम लोग बरोबर देखते हो, तुम लोग को अच्छा भी लगता है, तुम लोग लाइक नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो। और अगर तुम लोग चैनल पे नए और तुम लोगों को मेरा गेम प्ले अच्छा लग रहा है, तुम लोग इन्जॉय कर रहे हो, तो भाई जरूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि तुम लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हो यार, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अगर तुम लोगों को मेरे गेम प्ले अच्छे लग रहे तो भाई जरूर से सब्सक्राइब करना, ऑब्वियसली बात है मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि यार, क्योंकि ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे जल्दी जल्दी से, तो मेरे को यार अंदर से लगेगा ना कि और भी अच्छे अच्छे तुम लोगों के लिए नए नए गेम प्ले और अच्छे अच्छे वीडियोस निकालने मेरे को। तो अगर तुम लोग चाहते हो फ्यूचर में और भी अच्छे अच्छे गेम्स खेलूं, अच्छे अच्छे एपिसोड्स तुम्हारे लिए मैं बनाऊं, भाई जरूर से सब्सक्राइब कर दिया करो यार, और लाइक तो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड मेरे भाई लोग, तुम लोग प्लेलिस्ट जरूर से चेकआउट करना, क्योंकि मैंने और भी बहुत सारे गेम खेल रखे हुए हैं। एंड अभी रिसेंटली रेसिडेंट एविल 4 रीमेक गेम खेल रहा हूँ, जो भी नया रिलीज हुआ है, हॉरर गेम है यार, वो जरूर से चेकआउट करना। एंड और भी मैंने सिमुलेटर गेम्स खेले हुए तो वो भी चेकआउट करना, एंड स्टोरी मोड्स भी बहुत सारे खेले हुए था वो भी चेकआउट करना मुझे। एंड तुम लोग कमेंट करके बताना कि तुम्हारी फेवरेट सीरीज कौन सी है। एंड यार भाई, तुम लोग जब तक से मेरा प्लेलिस्ट चेकआउट करोगे, तब तक से मैं तुम्हारे लिए एक तड़कता भड़कता सा खतरनाक सा प्यारा सा नया गेम प्ले और रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।